नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा इक्विपमेंट लेकर आया हूं जिससे आप अपनी डोर को साउंड प्रूफ बना सकते हैं, एयर टाइट बना सकते हैं ताकि बाहर की सर्दी अंदर ना आए, बाहर की गर्मी अंदर ना आए, बाहर की आवाज अंदर ना आए। तो दोस्तों, मैंने अमेज़न से यह ऑर्डर किया था। ये दोस्तों है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर किया था। पूरी डिटेल देख सकते हैं आप इसकी। ब्रांड का नाम है एफटी शिप साउंड प्रूफिंग डोर विंडो ईपीडीएम स्ट्रिप डोर सील 18 फीट ब्राउन। तो फ्रेंड्स, 18 फीट से थोड़ा सा कम निकलती है ये। हाँ, उसको अगर स्ट्रेस करेंगे तो 18 फीट पहुंच जाएगी ये। और प्राइस आप देख सकते हैं इसको, 299 रुपीस। ये साउंड प्रूफ स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर निकली हैं, जैसे सर, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। कई सारी वैरायटी में अमेज़न और फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें ये एक स्ट्रिप निकली है, इसमें लिखा हुआ है इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वैसे तो 9 फिट है, बट इसको आप डबल कर कर, क्योंकि डबल में होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। इस बैग में आएंगे, प्लास्टिक बैग में आएंगे, वैसे तो इसकी लंबाई 9 फिट के आसपास होनी चाहिए। और अगर इसको हम दो भागों बांट लेते हैं, यहां से देखिए, ये दो येलो स्ट्रिप दिख रही है, इनको हम यहाँ से धीरे से करेंगे तो ये टियर करेंगे तो हो जाएगी ना। इसलिए अभी इससे क्या हुआ, हम अपने इस रूम को साउंड प्रूफ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कारगर है उन यूट्यूबर्स के लिए जो अपने वीडियो अपने घर पे शूट करते हैं बट उसके बावजूद बाहर की साउंड आती है। अभी आपको मेरे रूम में कुछ साउंड वगैरह सुनाई दे रहे हैं, बट आफ्टर यूजिंग दिस आई एम डन श्योर You will not hear any kind of voice in my background. तो दोस्तों चलिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी लेंथ। देखिए, तो एक दरवाजे में अगर इसको आप डबल में यूज करते हैं तो एक दरवाजे में एक साइड ऐसी साइड हो जाएगी और एक साइड ऐसी, यानी एक लेंथ और एक ब्रेथ आपकी कवर हो सकती है इससे। लेकिन हमें दरवाजे की हर ओर लगाना है तो हमको इसको टियर करना पड़ेगा। मैं आपके सामने कर रहा हूं इसको, यू कैन सी। अभी ये है, अभी इसको क्या करना है, क्या ग्लू लगाना? नहीं लगाना फ्रेंड्स, इसमें येलो रंग की एक पेपर चिपका हुआ है, इसको हमें हटाना है यहाँ से। देखिए दोस्तों, क्लोजर लुक देखिए, अभी जब इसको हटाएंगे, हट रहा है ना, आप देख पा रहे हैं इसको। अभी यहाँ पर एक स्टिकी है, देखो मेरी उंगली में चिपक गया है स्टिक, ये पूरी पट्टी स्टिकी, इसमें स्टिक नहीं, यहाँ पे गूंद नहीं है, काफी टाइट है पकड़ने वाला ये गूंद, तो इसको अभी हम चुका देते हैं। जब हम इसको डोर पे लगाएंगे तब हम इसको हटाएंगे। तो कैसे डोर पे लगाना है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए मैं आपके सामने दोस्तों इस अपने इस डोर की लेंथ नापता हूं। फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई जो है 6 फीट है, मैं आपके सामने लेके आता हूं, यू कैन सी इट, इट इज 6 फीट, देख पा रहे होंगे शायद, होप। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। यहां पर हाँ,
ये 6 फीट है दोस्तों। अब इसकी चौड़ाई पर नापते हैं, विड्थ पर नापते हैं। दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है ये 3 फीट से थोड़ी सी, 3 फीट और 1 इंच, 3 फीट एंड 1 इंच के आसपास है। अभी मैं दिखाने आ रहा हूँ आपको, देखिए मैं यहाँ छोड़ दिया इसको, यहाँ पकड़ लिया है जस्ट, आपको दिख रहा होगा, विजुअल होगा यहाँ से। अभी विजुअल करने की कोशिश करता हूँ मैं, 1 मिनट, वेट अ मिनट। दिख रहा होगा 3 फीट, तो 6 मेरे डोर की जो ऊंचाई है और जो चौड़ाई है वो 3 फीट है। यानी अगर मैं इसको यूज करता हूँ, 6 और 6 12 होता है, और 3 और 3 6 होता है, 12 प्लस 6 यानी 18 फीट, और 18 फीट का मुझे ये स्पेस प्रोवाइड कराई गई है कंपनी द्वारा। अभी इसको मैं ना यूज करता हूँ। फ्रेंड्स इसका जो डिटेल्स है, कितने कॉस्ट पड़ी है मुझे इसकी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अंडर 300 रुपीज इट कॉस्ट में। नाउ इसको क्या करना है, बताया था कि मैंने आपको, इसको यहां से क्लीन करना है, हटा देना है सबकी, और पूरा मत हटाइए, क्योंकि जब हटा दोगे पूरा तो इकट्ठा चिपकाने में दिक्कत करेगा आपको, है ना। ये जो पतली वाली यहाँ पर किनारी है, ये जो पतली किनारी होती है यहाँ पर, चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों चिपकाते हैं इसको अपनी डोर की साइड में, दोस्तों इस वाली साइड में, इसके पास में जो साइड होती है यहाँ पे चिपकाया जाएगा ये। तो इसको हम इसको यहाँ से हटाते हैं, दिख रहे हैं ना मैंने हटाया दोस्तों ये कागज को। अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे चिपका देना है। अच्छा उससे पहले आप इसको साफ कर लीजिए किसी कपड़े से, ताकि धूल ना रहे, अगर धूल रहेगी तो दोस्तों ये चिपकेगा नहीं। मैं इसको साफ कर चुका हूँ एक बार, अभी मैं आपके सामने इसको चिपकाता हूँ। कोशिश ये रखिए दोस्तों ये अंदर साइड से ही रहे, बाहर ना निकले। देखिए दोस्तों चिपकता अपने आप जा रहा है, हमें इसको हटाना है केवल साइड से कागज को। और अच्छा ग्लू है, काफी अच्छा ग्लू है इसमें जो इसको चिपका रहा है। एक मिनट मैं आपको बिल्कुल क्लोजर लुक देता हूँ, बिल्कुल पास से दिखाता हूँ इसमें। हाँ तो देखिए दोस्तों मैंने अपने पूरे डोर पे ये स्ट्रिप लगा ली है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये स्ट्रिप जो है चिपक गई है पूरे डोर के ऊपर, ये देखिए नीचे तक। ये बिल्कुल डोर का बॉटम आ गया है, यहाँ तक बिल्कुल चिपकाई है मैंने ये स्ट्रिप फ्रेंड्स। और ये ऊपर वाले हिस्से में देखिए यहाँ से चिपकाने शुरू की है मैंने, और ये यहाँ चिपकी हुई है इस साइड में देखिए दोस्तों। हाँ दोस्तों दिख रहा होगा शायद आपको, ये यहाँ से ये चिपकी हुई है पूरी, देखिए पूरा नीचे तक। बिल्कुल फ्लोर तक चिपकाया हुआ है मैंने इसको, स्ट्रिप को यहाँ पे चिपकी हुई है। यहाँ पे चिपकने से एक फायदा ये है कि निकलेगी नहीं, और हमें बिल्कुल साउंड प्रूफ जो हमें चाहिए रूम
वो हो सकता है साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ, हॉट प्रूफ, हॉट एयर या कूल एयर हमारे अंदर एंटर नहीं करेगी दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत अच्छा है, सस्ता है, यू कैन एनी वन कैन यूज। और अगर आपका डोर में सिंगल पल्ला है, एक सिंगल दरवाजा है, तो फिर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और डबल में भी ये वर्क करता है। तो नाउ फ्रेंड्स, तरीका यही है इसको चिपकाने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।